शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल में कस्टम फॉर्मेटिंग। नंबर एंड कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में हम जिक्र करेंगे आपके साथ। नंबर फॉर्मेटिंग एक्सेल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि नंबर का यूज हम लोग अपने डेटा शीट में काफी ज्यादा यूज करते हैं, तो उसी की फॉर्मेटिंग में बात करेंगे। नंबर फॉर्मेटिंग एंड कस्टम फॉर्मेटिंग जो कि आज का हमारा सेशन है, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं। सबसे पहले हम नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो नंबर फॉर्मेटिंग में जब इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पे नंबर फॉर्मेटिंग है, इसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको तो दिखने को मिल रहा है। इसमें आप देखेंगे तो आपका जनरल फॉर्मेट जैसा टाइप होता है वैसा होता है। नंबर फॉर्मेट इसमें नंबरिंग सिस्टम है, जिसमें आप डेसिमल लेजर यूज कर सकते हैं, थाउजेंड सेपरेट यूज कर सकते हैं, और नेगेटिव लेजर्स होना चाहिए, माइनस में या कलर रेड या ब्रैकेट या ब्रैकेट कलर रेड दोनों शो होना चाहिए। करेंसी में आते हैं तो आपका बाकी चीज सेम है, आप करेंसी का कोड या करेंसी का सिंबल चूज कर सकते हैं। अकाउंटिंग में हम आते हैं तो जिस इसमें करेंसी का सिंबल चूज कर सकते हैं। अकाउंटिंग का एक यूज और भी करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास डेटा होता है तो डेटा में जीरो होता है और हम जीरो को कुछ अलग शो करना चाहते हैं ताकि प्रिंट आउट में अलग दिखे, तो उस केस में हम नंबर फॉर्मेट में आते हैं और अकाउंटिंग पे जाते हैं। डेसिमल रखना रखिए, दरवाजा जीरो कर दीजिए और यहां पर इसको नन कर देते हैं, तो जो जीरो है वो इस तरह का डैश में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह का डैश में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पे हम डेट में, यहां पे आपके डेट के फॉर्मेट दिख रहे होंगे, अलग अलग कंट्री है, कंट्री के हिसाब से डेट का फॉर्मेट ले सकते हैं। टाइम की बात करें तो यहां पे टाइम का फॉर्मेट है और अलग अलग कंट्री के टाइम का फॉर्मेट भी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी का ओवर टाइम है, किसी की एग्जैक्ट ड्यूरेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं और गलती से इसके ऊपर जनरल फॉर्मेट हो जाता है, जैसे कि 1.8 इस तरह का आ गया। अब इसके ऊपर अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि इसके ऊपर मान लीजिए हमें कोई डेट टाइम का फॉर्मेटिंग करना है, तो कोई भी फॉर्मेट लेंगे तो 24 आवर से ऊपर नहीं जाए, क्योंकि सिस्टम में 24 आवर इक्वल टू 1 उसके बाद की जो टाइमिंग है वो शो होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं नहीं पूरा टाइम दिखे, तो यहां आपको दिख रहा होगा 37, 30 एंड 35 वाला फॉर्मेट, उसको चूज कीजिए एंड ओके कीजिए, आपको यहां आ जाएगा। उसे से फ्रैक्शंस होता है, जैसे 2.5 हमने कर दिया, तो कस्टम में आप यहां आते हैं सॉरी इसमें फ्रैक्शंस में, और यहां पे अपना लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने सिलेक्ट किया हाफ लेवल, तो क्या होगा 1.2 हो जाएगा, जो लेवल सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपको कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी हम जो भी चेंजिंग कर रहे हैं, हमने यहाँ पे किया, यहाँ और बाकी जगहों पे चेंजिंग किया, ये जस्ट विजुअलिटी चेंज हो रही है, ओरिजिनल जो वैल्यू है वही रहेगी, जस्ट इसका विजुअल चेंज हो रहा है। अब इसमें आगे बढ़ते, अब अगला ऑप्शन इसमें आता है हमारे पास टेक्स्ट का। जैसे कि मान लीजिए मुझे इसमें चेक नंबर लिखना है, जी हाँ चेक नंबर लिखना है, तो यहाँ पे 0123 करते हैं तो जीरो नहीं लेते, क्योंकि चेक नंबर में मस्टी टाइम में जीरो होता है, तो सिंगल कोड लगाइए यहाँ पे 001234 डाल के एंटर मारिए तो जीरो सेलेक्ट होगा। तो ये क्या होता है, जब हम सिंगल कोड लगा देते हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ उसको, जब हम सिंगल कोड लगा देते हैं तब लिखते हैं तो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब मुझे टेक्स्ट में ही लिखना है तो क्यों ना हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें और इसके ऊपर कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएं और हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दें, नंबर फॉर्मेट में टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दें। अब यहाँ हम जो भी टाइप करेंगे वो टेक्स्ट में ही होगा। हम यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला हमारा लग तो जाएगा बट नॉट परफॉर्म। ये थी टेक्स्ट हमारा। लेकिन चेक नंबर की बात कर रहे थे, तो चेक नंबर लिखना है तो अगर आपको टाइप करना है तो सिंगल को लगा के टाइप कर दे रहे हैं, लेकिन किसी ने आपको टाइप करके भेज दिया है तो क्या करेंगे। अब मुझे इसके आगे इसको 6 डिजिट पूरा करना है, जितना डिजिट कम है उतना जीरो मुझे इसके आगे लगाना है, कैसे लगाए। अब मान लीजिए लाखों में डेटा है आपका,
या हजारों में है, सो ही समझ लीजिए, फिर भी आपको काफी टाइम लगेगा। सो ही है फिर भी आपका काफी टाइम कंज्यूम होगा, तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे और यहां पे 1 2 3 4 5 6 सिक्स टाइम जीरो डाल देंगे। अब यहां पे इस तरह से देख लीजिए आप, और यहां पे मैंने मोबाइल नंबर डाला, तो प्लस 91 नहीं लगा मोबाइल नंबर डालिएगा तो मैं चाहता हूं कि प्लस 91 ले ले, तो इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, यहां पे आते हैं टाइम पे, इसमें कस्टम पे, और यहां पे प्लस 91 दे देते हैं, और इसके आगे कुछ और डालना है, 10 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं यहां पे नंबर से लिखूंगा, प्लस 91 अपने आप लग जाएगा, लग गया। उसी तरीके से जैसे आईडी लिखना है, तो मैं चाहता हूं हर 3 डिजिट के बाद हमारा डैश लग जाए, तो कस्टम फॉर्मेट में जाऊंगा और यहां पे हम यहां पे 3 0 या 3 हैश, हैश 0 दोनों दे सकते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है हम आगे क्लास में आपको समझाएंगे। अब मैं यहां पे जो भी नंबर लिखूंगा उसके बीच में 3 डिजिट पे डैश आ जाएगा। कभी कभी हमारे क्रेडिट कार्ड नंबर में भी ऐसा होता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर हम लोग लिखते हैं, इस तो मैं फिलहाल मैनुअली लिख रहा हूं, XX, 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 और फिर नंबर होता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ही लिखूं, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट लिखूं, बीच में ऑटोमेटिकली एक्स आ जाए। तो क्या करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, हम यहां पे 4 0 या हैश देंगे, 1 2 3 4, फिर इन्वर्टेड कॉमा में 4 टाइम एक्स, फिर स्पेस देंगे, अगेन 4 टाइम एक्स दे देंगे, फिर यहां पे 1 2 3 4 एंड ओके कीजिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? सर, जी सर, यस, इस तरह की चीज़ हम मान लीजिए अकाउंट नंबर डालते हैं, तो अकाउंट नंबर अगर आप डालते हैं तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक आपका नंबर दिखता है ना मैम? अगर छोटा मान लीजिए छोटा कर देते तो इस तरह का फॉर्मेट हो जाता है, थोड़ा बड़ा कीजिए तो चेंज हो जाएगा। जैसे आप 12वां नंबर लिखेंगे इस साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाता है, आप कितना भी बड़ा कर लीजिए नंबर आपका इसी तरह के फॉर्मेट में, साइंटिफिक फॉर्मेट में आएगा। आप चाहते हैं नॉर्मल दिखे, साइंटिफिक फॉर्मेट में ना आए, तो फॉर्मेट में हम जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे और सिर्फ एक हैश यहां पर डाल देंगे, ओनली फॉर 1 हैश। अब देखिए नंबर दिख रहा है, लेकिन नंबर कहां तक दिखेगा? ये दिखेगा आपको 15 डिजिट तक। जैसे 16वां डिजिट में डालूंगा, जैसे 7 डाला, एंटर मारा, तो 7 आपका 0 बन जाएगा। मतलब 15 डिजिट के बाद जो भी नंबर लिखेंगे वो नंबर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है? हेलो, क्या है कि आपकी जो पर्सनल कंप्यूटर है वो 15 डिजिट की कैलकुलेशन हुई है, इससे बड़ी कैलकुलेशन के लिए ही सुपर कंप्यूटर एंड पावरफुल कंप्यूटर का यूज होता है। इसलिए नंबर फॉर्मेट में आप 15 डिजिट से ज्यादा नहीं लिख सकते, ना ही आपका इसमें और ना ही आपकी कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर होता है ना एक्सेल इसमें इसका, तो कैलकुलेटर में भी आप क्लिक करेंगे, देखिए इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहा है, 11 दिख रहा है,
11 के बाद जैसे जाओगे साइड, ये आपका 12, 13, 14, 15, 16. 16 में मैं प्लस 1 करता हूँ, देखा 0 हो गया ना, राइट राइट यस हाँ, तो इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। हाँ, अगर आपको लिखना है तो नॉन कॉलिकुलेटिव डेटा मतलब कि आप टेक्स्ट फॉर्मेट में जितना 32,700 समथिंग आप लिख सकते हैं इसमें, बट वो कैलकुलेट नहीं होगा। ओके, राइट सर। बट ये यहाँ पे अभी देखो सर, मोबाइल नंबर है या तो आईडी नंबर है, हमने तो 91 तो डाल दिया, बट अभी इन केस अब इस फॉर्मेट से बाहर आना है और रेगुलर मोबाइल नंबर वहां पे डालना है, तो मतलब तो हम लोगों ने ओके आप उसको जनरल कर दीजिए यहाँ पे, है ना? सो आईडी का भी वैसे ही है क्या? आईडी का हाँ, भी तो जनरल कस्टम यूज किया हुआ, आप जनरल कर दीजिए। ओके ओके गॉट इट गॉट इट। और किसी को प्रॉब्लम है? नहीं नहीं राइट चलिए अब अगली चीज जानते हैं। जैसे कि ये होता क्या है, देखिए कोई भी आप नंबर लिखते हैं, जैसे 1500 लिख दिया आप, अब मुझे इसके आगे या पीछे या बीच में कोई कोई करेक्टर, कोई वर्ड, कुछ इस तरह लाना है, समझे? तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है कस्टम फॉर्मेटिंग, क्योंकि मान लीजिए ना मुझे MRP 1500 लिखना है, तो मैं अगर मैनुअल लिख दिया तो इसके ऊपर किसी भी तरह की कैलकुलेशन तो नहीं कर सकता ना। तो मैं चाहता हूं कि 100 ऐसा ही हो, बट इसके ऊपर हम कैलकुलेट कर सके, हम कैलकुलेशन कर सके, समझे? ओके तो हम 1500 लिखेंगे और जाएंगे किसमें, कस्टम फॉर्मेट के अंदर। कस्टम फॉर्मेट में मैं यहां पे लिखू, यहां पे जो है डालूंगा इन्वर्टेड कॉमा में MRP, कुछ भी जो भी वर्ड है उस वर्ड को इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे। नंबर छोड़ के कोई भी वर्ड में इन्वर्टेड कॉमा डालना पड़ता है, नंबर आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, जैसे मैंने प्लस 9 में डायरेक्ट डाला था। अब मैं इसके आगे 0 हैश लगाना है, अगर 0 हैश ना लगाएंगे तो आपको जस्ट विजिबल होगा MRP, एक्चुअल रहेगा तो 1500 बट 100 MRP होगा। तो आपको आपका नंबर शो करना है तो ये प्रीफिक्स सफिक्स के आगे या पीछे आपको 0 या हैश देना है। अब 0 हैश क्या होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप यहां पे सिंगल पे अगर डबल डाल दे, डबल 0 डाल दिया, अब क्या होगा कि मैं 5 लिखूंगा तो यहां पे 0 5 हो जाएगा, 3 बार डालूंगा तो डबल 0 5 हो जाएगा, जैसे कि यहां चेक नंबर में हुआ है। और हम यहां पे अगर हैश डालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए? क्लियर है? कोई डाउट आप लोगों भाई क्लियर को? ओके सर। तो किसी भी नंबर के आगे और पीछे लगा सकते हो, जैसे कि मैंने यहां पे 1500 डिस्काउंट चाहता हूं मैं, तो मैं इस पे क्लिक किया, कस्टम पे गया और यहां पे मैंने दिया 0 या हैश और बाद में डाल दिया DIS। अब क्या होगा, 1500 के बाद डिस्काउंट है, अब 3 आ रहा है क्योंकि मैंने यहां पे 0 के जगह पे हैश के जगह 0 के जगह पे हमने 3 लिख दिया। ओके सर, ओके बात करते हैं कि इससे आगे, इससे आगे चीजों को पढ़ने के लिए आपको एक आर्टिकल पढ़ना होगा। अब ये आर्टिकल मेरा नहीं है, ये आर्टिकल माइक्रोसॉफ्ट का है, लेकिन इसमें बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, इसलिए हर स्टूडेंट को सेकेंड पार्ट ऑफ कस्टम फॉर्मेटिंग को पढ़ने के लिए हम रिकमेंड करते हैं, राइट? तो हम ये आर्टिकल आपको इसके जूम के चैट पे शेयर करता हूं, आप लोग कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए आप लोग। हेलो।
सर आया नहीं अभी तक। आया आया ओके ठीक है। आर्टिकल को बैठ के आप लोग पढ़िए, इसमें दी गई कोड्स को जो है इसको यूज कीजिए, जो समझ में ना आए इसको नोट डायरी में नोट कीजिए, कल की क्लास में हम आपको इसको पढ़ाएंगे एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग। क्योंकि एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग को पढ़ने के लिए आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है पूछ लीजिए। सर आपको फॉर्म मेल किया है? हाँ फॉर्म आप लोगों का मुझे मिला है, कुछ का देखा हूँ कुछ का नहीं देखा हूँ। सर उसका बैकग्राउंड कलर नहीं समझ आ रहा कैसे होगा? कौन सा? ग्रे कलर। यस सर हाँ तो अपना कलर व्हाइट है ना, इसके बाद एक मिनट। देखिए आपने फॉर्म बनाया है अच्छा है, लेकिन फॉर्म आपका अच्छा और कब लगता है? जब आप ये जो दिख रहा है ना इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है? ऐसे नीचे को सिलेक्ट, इसके नीचे और इसको और हाइड कर देते हैं, पहला चीज। दूसरी आप बोले कलर ग्रे कलर या ब्लू कलर जैसे करना है इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से कलर कर दीजिए। अब कलर करने के बाद दिक्कत हो गई ना, तो इसको व्हाइट कलर, इसको तो बीच में भी आपको व्हाइट कलर करेंगे तो बेटर रहेगा, और बीच में व्हाइट की जगह पे ब्लैक कर दीजिए। समझ गए? जी सर। बेटर? जी सर। लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से बेटर नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे कोई पासवर्ड लिखूंगा वो तो चेंज हो जाएगा, कहाँ वापस पासवर्ड आया आपका? नहीं आया। हमने क्या बोला था आपको, सबसे पहले इसको मर्ज नहीं करना है। जी सर। ठीक है। ये आपको मर्ज नहीं करना है, और आपने जो दो सेल बना रखा है ना, ये दो सेल भी नहीं एक सेल चाहिए होगा, ठीक है? जी सर। और यहाँ पे आपका है ना, इसको इतना छोटा कर देना है कोई सिलेक्ट ना कर सके। अब ठीक है सर, वो एक्सेप्ट के आगे जो बॉक्स वो छोटा हो रहा है, उसको बड़ा कर लीजिएगा। इसको इसको ये देखा है आप, इसको जो मर्ज कर दिए ना, इस मर्ज नहीं करना है, इसको एक सेल रखना है। तो बना जी सर। ठीक है ना। आपको क्या बताया था? मैंने बताया था जैसे कि पहले वाले को बहुत छोटा कर देना, पहले लिख लीजिए यहाँ पे, इसे मैंने लिख लिया यहाँ पे नहीं लिख लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा की चौड़ा कीजिए, अपने सेल को बहुत बड़ा कर लीजिए और इस एकदम छोटा कर दीजिए, दिखेंगे। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, बॉर्डर, ऊपर वाला बॉर्डर दीजिए, ये दीजिए, ये दीजिए, वाला बॉर्डर नहीं दिया आपने, सेंट्रल कीजिए, यहाँ सेंट्रल कीजिए और इसको यहाँ से इंडेंट कीजिए, साइज बड़ा करना है तो साइज बड़ा कर लीजिए। ठीक है सर। क्या ऐसा जैसे मैं इसलिए पूजा लिखूंगा ना, नाम हट जाएगा।
भी मैंने सेंट्रल नहीं किया था ना, इसको भी सेंट्रल ही करना होगा। देखा, और जैसे मैं पूजा को डिलीट करूंगा, जी सर और अगले अलके जी जी सर आपका भी सेम प्रॉब्लम था। हाँ सर देखा देखा सर जी, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और भेजिए। ओके बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम जी सर।